पृथ्वी की आंतरिक संरचना में तुमने चट्टानों के प्रकार, ज्वालामुखी एवं भूकंप के बारे में जाना होगा, उसी आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। सपोज जैसे आपके एरिया में, आपके मोहल्ले में, अभी प्रेजेंट टाइम में, कुछ ही टाइम पहले आपके इलाके में क्या हुआ था, पानी भर गया था, जल जमा हो गया था, लोग तबाही से इधर उधर भाग रहे थे, ठीक है। तो वैसे ही बता रहे कि भूकंप का अर्थ क्या होता है। सपोज आप भूकंप है, उसका अर्थ क्या होता है, अगर कोई पूछ देता है कि भूकंप क्या है, तो क्या बता सकते हैं? प्राकृतिक द्वारा निर्मित की गई घटनाएं जो पृथ्वी को ध्वस्त कर देता है, उसे क्या करते हैं? भूकंप कहते हैं। समझ में आ गया? आग्नेय चट्टानों कैसे बनती हैं, ज्वालामुखी का क्या अर्थ होता है, ज्वालामुखी विस्फोट में कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं, ये पदार्थ किस अवस्था में होते हैं, ये पदार्थ ठंडे हैं या गर्म और क्यों। अब इन सारी चीजों को हमें देखना है। जो पदार्थ हैं, ज्वालामुखी जब आती है तो उसमें से, जब ज्वालामुखी कब आती है, जब धरती पूरी गर्म हो जाती है, जब कहीं फट जाती है तो उसके अंदर से बहुत सारी आग निकलती है। अभी आप लोग कहीं कहीं सुने रहोगे कि कोयला कहाँ से निकलता है, जमीन के अंदर से। उसकी जमीन की खुदाई करते हैं, चट्टाने तोड़ते हैं, उसके अंदर से क्या प्राप्त होता है हमें? कोयला प्राप्त होता है। तो फिर हम उस कोयले को क्या करते हैं, अपने यूज में, अपने इस्तेमाल में उसको लाकर हम उससे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। बनाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, खनिज लवण, खनिज पदार्थ, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं और उसे पृथ्वी पर लाके उसे एक नई आकार आकृति दिया जाता है। चलो करके देखो। आधा लीटर दूध उबालने के लिए रखो। क्या बोल रहे हैं? आधा लीटर दूध जब आप लाते हो तो उसे क्या करना है, उसको सिर गर्म नहीं करना, उसको क्या करने के लिए रखना है, उबालना है पूरा। एक उबाल आने के बाद गैस बंद कर, क्या करना है, जब एक उबाल आता है तो क्या करना है, गैस बंद कर देना है। दूध के पतीले पर ढक्कन रखो। क्या बोला है? दूध के जो पतीला है उसके ऊपर एक ढक्कन रखो। तो हमें क्या आभास होता है, आप लोग उसी तरह आप समझ गए रहोगे। जब हम एक पॉट में पानी या दूध गर्म करते हैं, फिर हम गैस को बंद कर देते हैं, तो क्या हमें दिखाई देता है, जो हम जिसे ढके रहते हैं तो उसके जो तल पे क्या होता है, पानी जमा हो जाता है। होता है कि नहीं ऐसे? या नो, पानी की परतें जमा हो जाती है। इस प्रयोग का अगला भाग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें निरीक्षण कौशल का उपयोग कर निष्कर्षों तक पहुंचाना है। अब उन चीजों को, जो सारी चीजें हमें अनुभव में, प्रत्यक्ष में जो दिखाई देता है, उन्हीं सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। 10 मिनट के बाद पतीले पर रखा हुआ ढक्कन थोड़ा दूर हटाओ और थोड़ा देर पकड़ो। क्या हो रहा है कि बता रहे हैं कि जो ढक्कन है उसको थोड़े देर में पकड़ो तो क्या होता है, वो भी हीट हो जाता है और उस पर हमें कुछ परतें दिखाई देती हैं। क्या फिर होता है? देखो, दूध पर क्या दिखाई दे रहा है, दूध पर जमा पदार्थ किस अवस्था में है, इस पदार्थ को हटाओ। अभी पानी बता रहे थे, अभी उसमें क्या बता रहे, जो दूध होता है, तो दूध को जब मैं ढक देते हैं तो ढकने के बाद क्या होता है, उसके अंदर एक परत यानी कि लेयर तैयार हो जाता है। होता है कि नहीं? हो जाता है। जो सारी आप बोलते हो वही उसका, दूध का पदार्थ उस पर बन जाता है, एक लेयर प्राप्त हो जाता है। इस पदार्थ के तापमान एवं दूध के तापमान के अंतर को समझो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब जितना उसका टेम्परेचर था, जितना उसकी तापमान थी, उन सारी चीज़ों को निरीक्षण करना है और उन सारी चीज़ों का आंसर हमें प्राप्त करना है। जब दूध उबल रहा था तब वह किस अवस्था में था, जब दूध में उबाल आया तब वह किस अवस्था में था, पतीले के ढक्कन पर क्या जमा हो गया था, बताओ कि दूध पर जमा पदार्थ द्रव या ठोस, वह दूध ठंडा या गर्म, ऐसा प्रयोग में किन पदार्थों को लेकर किया गया। इस तरीके से आपको दूध की अनुमानित चीजें बतानी है और आपको लिखना है। अब भौगोलिक स्पष्टीकरण, भौगोलिक
भूगोल के रूप में हम किस तरीके से उसको हम विस्तार से बता सकते हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम प्राप्त करेंगे यहाँ से। उबालने के पहले दूध पूर्णतः द्रव अवस्था में था, क्या था? उबालने के पहले दूध कौन सी अवस्था में था? द्रव अवस्था में था, ठीक है। दूध दूध उबालने में, उबाल आते ही उसमें से भाप निकलने लगती है। क्या होता है जब हम दूध को उबालते हैं, तब उसमें से क्या होती है? वाष्प के रूप में वो परिवर्तित हो जाती है। इस मलाई का कुछ देर बाद दूध पर मलाई की मोटी परत जमी दिखाई देती है। इस मलाई का तापमान दूध के तापमान से कम होता है। क्या होता है? मलाई का तापमान दूध के तापमान से कम होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता जा सकता है कि पतीले में मलाई की परत पहले ठंडी हुई और तुलना में दूध गर्म एवं अवस्था में ही रहा। पृथ्वी के ठंडे होने में कुछ ऐसा ही प्रक्रिया होगी। क्या होता है? दूध के तरह क्या हो रहा है, पृथ्वी की तुलना कर रहा है। जिस तरीके से जब हम दूध गर्म करते हैं और उसको हम ढक देते हैं, तो ढकने के बाद जो उसके अंदर लेयर तैयार होता है, उसी तरीके से बता रहे हैं कि जो पृथ्वी है, उसी तरीके से जब पृथ्वी का जो तेज सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पृथ्वी हीट हो जाती है। हीट होने के बाद जब उसका प्रकाश स्थापित होता है, मतलब जब सूर्य अस्त हो जाने के बाद उस पर ये क्या होती है, लेयर नुमा तैयार जाती है। इसीलिए रात में हमें क्या होता है, कुछ गर्म सी महसूस नहीं होती, ज़्यादा ठंडी महसूस है। या कभी कभी हमें क्या होती है, गर्म भी महसूस होता है। क्यों? कि जिस दिन पृथ्वी ज़्यादा प्रकाश अवशोषित कर लेती है, अंदर ज़्यादा गर्म गर्म रहती है, तो क्या होता है, रात में जब ठंडा मौसम होता है क्या होता है, हमें गर्म की महसूसें होती हैं। आजकल के टाइम में हमें गर्मी रात में क्यों नहीं महसूस होती है? क्योंकि हमारे घर में आज के टाइम में बनी हुई चीज़ें, बनावटी हवा मिल रही है, बनावटी ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। इसलिए हमें उन सारी चीज़ों को आभास नहीं कर पाते हैं। अभी कभी कभी वही सारी चीज़ें अगर नहीं रहती हैं तो उन सारी चीज़ों को हमें देखने के लिए मिलता है। मिलता है कि नहीं? तो वैज्ञानिक इस बात पर एक मत है कि उत्पत्ति सौरमंडल के साथ हुई। क्या हुआ है? जो पृथ्वी की उत्पत्ति यानी शुरुआत हुआ वो किसके साथ हुआ? सौरमंडल के साथ। शुरू में पृथ्वी गर्म एवं वायु रूप गोले के रूप में थी। किसके रूप में? वायु यानी कि हवा के रूप में थी। अपने अक्ष पर घूमते घूमते वह ठंडी हो गई। क्या हुआ? एक सेंटर पे, एक जो केंद्र बिंदु था पृथ्वी का, उससे उस पे घूमने से वो क्या हो गई? ठंड हो गई। ठंडी होने की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया सतह से केंद्र की दिशा में होने के कारण पृथ्वी का बाह्य ठंडा एवं ठोस हो गया, ठीक है। किंतु आंतरिक भाग में ताप अधिक है और सतह में गर्म गर्भ की ओर और बढ़ता जा सकता है। साथ ही यह विशिष्ट गहराई के पश्चात पृथ्वी का आंतरिक भाग अर्धद्रव अवस्था में है। किस अवस्था में है? अर्धद्रव यानी कि आधा वो द्रव अवस्था में। द्रव मीन्स जो तरल पदार्थ होती हैं, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, जो बहने वाली चीजें हैं, वो सारे क्या हैं? द्रव अवस्थाएं हैं, ठीक है। मानव के मन में यह जिज्ञासा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना वास्तव में कैसी है, देखना प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा अभी तक संभव नहीं हुआ। क्या हुआ है? ये सारी चीज़ें अभी तक हमें देखने में संभव नहीं हो पाया है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके लिए ज्वालामुखी के बाहर निकलने वाले पदार्थ एवं भूकंपीय तरंगों का प्रमुख रूप से अध्ययन किया गया। क्या किया गया? इस तरीके से उन सारी चीज़ों के रूप में अपना अनुमान लगाया गया। ज्वालामुखी विस्फोट में के दौरान बाहर पड़ने वाले पदार्थ में अति गर्म लावा गैस भाप होती है। लावा ठंडा होने पर
अग्नेश चट्टानों का निर्माण होना, साथ में ही तापमान, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण बल के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने का प्रयास हुआ। अब क्या हुआ कि जब ज्वालामुखी आता है तो उसमें से बहुत सारी तमाम लवण, खनिज पदार्थ, गरम ठंडा सारी चीज़ें उसमें से क्या होती हैं, निकलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या हुआ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए बता रहा है और क्या क्या चीज़ें उसमें लुप्त हो जाती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें समाविष्ट, क्या क्या चीज़ें नुकसान होती हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे बता रहा है। वैसे ही ज्वालामुखी के विस्फोट में बाहर आया हुआ लावा भी तत्व तप्त में ठंडा होता है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तप्त एवं प्रवाहित तरल अवस्था में होता है। ऐसे अनुमान भूगर्भ वैज्ञानिक ने लगाए। पृथ्वी के अलग अलग भागों में हर साल भूकंप आते हैं, इससे भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। क्या बता रहे हैं कि इस तरीके से जो है भूकंप में तरह पृथ्वी पर जगह जगह पे क्या होता है, तरह तरह की भूकंप आती रहती है और लोग उससे सामना करते हैं। भूपटल, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत ठोस है जिसे भूपटल नाम से जाना जाता है। क्या बता रहे हैं कि जो पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है, अत्यंत कठोर होता है। इसकी मोटाई सर्वत्र एक जैसी होती है। जो इसकी मोटाई होती है वो क्या होती है, पूरी तरह चारों तरफ क्या होता है, उसकी मोटाई समान होती है। समझ में आया क्या? जैसे आपको मैं एक गेंद का एग्जांपल देकर बताया था, जब आप गेंद को एक सेंटर से उसको कट करोगे तो उसका जो बीच का जो उसका जो भाग टुकड़ा टुकड़ा निकलता है वो क्या होता है, चारों तरफ आपको एक ही आकार की एक ही मोटाई में वो क्या होता है, दिखने हमें दिखाई देता है। समझ में आया? आगे देखते हैं। औसत रूप से इसकी मोटाई 30 से 35 किलोमीटर मानी गई है। महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई 16 से 45 किलोमीटर के बीच है। क्या है, इस तरीके से महाद्वीप जो होते हैं, महाद्वीप कितने होते हैं, 7, तो उसके आधार पर उसकी मोटाई कितने होते हैं, 16 से 45 किलोमीटर के बीच की इतनी उसकी मोटाई होती है। पर्वत श्रेणियों के नीचे इसकी मोटाई 40 किलोमीटर से अधिक होती है। जो हमारे ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, उसकी ऊंचाई 40 किलोमीटर से अधिक होती है, तो सागर के नीचे मोटाई 10 किलोमीटर से कम होती है। और सागर के नीचे की जो है वहां की मोटाई की 10 किलोमीटर इतना कम होता है। आकृति 1.1 और 1.2 में दिखाए गए हैं। जैसे आपको सेम आपको ये आकृति आपको ड्रॉ करके बताया है। इस आकृति में जैसे आपकी ऊपरी परत क्या है, पृथ्वी है, अस्थल मंडल, अस्थल मंडल में पूरा है, उसका भाग कितना है, मोटा है, भूपटल एवं मैटर, उस तरीके से आपका भाग दिख रहा है। फिर आप जैसे जैसे थोड़ी सी गहराई में जाएंगे वैसे आपको नीचे का केंद्र क्या होगा, जो पृथ्वी का केंद्र है वो आपको उतना ही कम दिखाई देगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती है। क्या बता रहे हैं कि पृथ्वी की जो सतह है, ऊपरी परत है, जैसे जैसे हम उसमें नीचे जाते हैं उसका तापमान उतना ही बढ़ते जाता है। आगे मेंटल में तापमान बढ़ने की दर घटने लगती है और क्रोध में वह पुनः बढ़ने लगती है। इस तरीके से क्या होती है, जो उसकी मेटल की जो तापमान है, गर्मी है उसका, कभी कम होता है और कभी ज्यादा होता है। पृथ्वी के केंद्र में तापमान करीब 5500 से 6000 अंश से होता है। इस तरीके से जो उसका तापमान होता है 5500 से लेके 6000 तक के तापमान में करीब गर्म रहता है। मेंटल और क्रोड की तुलना में भूपटल ही कम मोटाई की परत है। इस तरीके से जो भूपटल है उसकी मेंटल की तुलना में, क्रोड की तुलना में उसका जो मोटाई होती है वो कम होती है।
इसके भी दो उपविभाग होते हैं। कितने? इसको भी दो भागों में डिवाइडेशन किया गया है। फर्स्ट किस में किया गया है? महाद्वीपीय भूपटल। और इसमें महाद्वीपीय भूपटल में क्या बताया जा रहा है कि महाद्वीपीय मुख्यतः सिलिका सिलिका या संयुक्त सिलिकान तत्व से तैयार होता है। किससे? सिलिकान एक तत्व है, उसी के संयोग से क्या होता है, सिलिका का आविष्कार होता है। एवं एल्युमिनियम से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एल्युमिनियम से बने होते हैं। इनकी प्रचुरता के कारण इस परत को पहले सियाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इनकी जो प्रचुरता है, इनकी जो क्वालिटी है, उसके आधार पे क्या कहा जाता था? पहले इनको सियाल कहा जाता था। महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व 2.65 से 2.90 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस तरीके से आपका जो घन इसमें बता रहे हैं, घन यानी कि एक वर्गा का, उस घन के आधार पे इसकी जो लंबाई है और जो इसकी घनत्व तो इसका और कितने इसकी वजन है, उसके आधार पे बता रहे। आगे देखते हैं, महाद्वीपीय भूपटल की मोटाई औसत 30 किलोमीटर है। कितनी औसत है इसकी, महाद्वीपीय भूपटल की? 30 किलोमीटर। इतनी इसका औसतन माप है। इस परत में मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टाने मिलती है। क्या? ग्रेनाइट यानी कि चुंबक की चट्टाने मिलती है। ठीक है, अब दूसरा क्या है इसमें? सागरीय भूपटल। सागरी यानी कि समुद्रीय भूपटल क्या होता है? यह भूपटल की दूसरी परत है। यह परत सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है। किससे? इसमें क्या होती है, सिलिका यानी कि फर्स्ट वाला जो महाद्वीप होता है उससे, और एक मैग्नीशियम का जो तत्व होता है उससे मिलकर यह बना होता है। इसलिए इसे पहले सीमा के नाम से जाना जाता था। ये क्या है, पहले वाले ही तत्व से मिलकर बना रहता है, इसके लिए वो पहले वाले तत्व के ही बेस पे इसका नाम सीमा रख दिया था। इस परत की मोटाई 7 से 10 किलोमीटर है। क्या है जो इसकी मोटाई बता रहे हैं? 7 से 10 किलोमीटर, इतनी इसकी मोटाई है। इस परत का घनत्व 2.9 से लेके 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसका कितना है, उससे ये कहीं कम है, इसका जो वजन है। तो इसका इस मतलब फर्स्ट वाले भूपटल की अपेक्षा इसकी जो वजन है इसका कम है। इस पटल में मुख्यतः बेसाल्ट एवं श्यामाशा चट्टाने पाई जाती हैं। कौन से? ग्रेओ के चट्टाने पाई जाती है, मतलब चुंबक, तो जिसमें चुंबक के थोड़ी थोड़ी पाई जाती है उसके आधार पे इस चट्टान में इसमें पाए जाते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों के विविध परतों में पाए जाने वाले तत्व। अब पृथ्वी के अंत भाग में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उन सारी चीजों को बताया है। सबसे कम से अधिक, कम से अधिक बताया। क्या सबसे कम मिलता है? सिलिकॉन सबसे कम मिलता है, एल्युमिनियम थोड़ा उससे ज्यादा मिलता है। ठीक है, फिर सिलिकॉन उससे कम, उससे ज्यादा मिलता है, मैग्नीशियम, निकल, फेरस। जैसे जैसे ये आपका पृथ्वी का ढांचा बनाया गया है, जैसे जैसे वो नीचे गहराइयों में जाता है, वैसे वैसे उसकी मात्रा वो उसकी बढ़ती जाती है, उतनी उसकी उसके अंदर और तत्व पाए जाते हैं। अब इसमें बता रहे हैं, क्या आप जानते हैं? क्या जानना है वो भी सारी चीजें हम देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं महानगरीय एवं महाद्वीप भूपटल के बीच अशांत की खोज कार्रेन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इस अशांत को कार्रेन शांत कहते हैं। भूपटल एवं मेंटल के बीच अशांत है, इसकी खोज मोहरोज नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे मोहो अशांत कहा जाता है। जिस मेथड से जिस वैज्ञानिक ने खोज की थी उसी के आधार पे उनका नाम भी वहां पे डाला गया। मेटल एवं क्रोड के बीच में अशांत है,
गुटनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी? किसकी खोज की थी? असंतत्व की खोज गुटर वैज्ञानिक ने की थी। इस गुटर असंतत्व को कहा जाता है, इसे इस तरीके से नाम दे दिया गया। मेटर यानी कि प्रवाह, प्रवाह किस तरीके से होता है उस सारी को बताया। भूपटल के नीचे मेटल परत पाई जाती है, जो भूपटल का निचला भाग है उसमें क्या होता है, मेटल पाया जाता है। मेटल के ऊपरी एवं निचले मेटल को दो भागों में किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे भी बता रहे हैं कि जो मेटल होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, उनको दो भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं। ऊपरी मेटल अधिक प्रवाही होती है, जो ऊपर का जो भाग होता है, क्योंकि ऊपरी भाग में क्या होती है, पानी का बहाव होता है, इसलिए वहां पे अधिक प्रवाह होता है। इसी भाग में लावा के कच पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लावा यानी कि ज्वालामुखी जब होता है तो उसमें लावा के थोड़ी थोड़ी मात्राएं पाई जाती हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान यहीं से लावा पृथ्वी की सतह पर आती है, और वहीं से जब उसकी मात्रा जब बढ़ती है ज्यादा, तब वहीं से ज्वालामुखी आता है और पृथ्वी के सतह को फटने की चांसेस रहता है। मेटल के इस भाग को दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उस मंडल को क्या कहते हैं? दुर्बलता मतलब यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त होता है, उसी को दुर्बलता मंडल कहते हैं। भूकंप के केंद्र प्राय इसी भाग में पाए जाते हैं। क्या? जो भूकंप होता है इन्हीं सारी जगहों पे अधिकतर पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह से करीब 42 किलोमीटर की गहराई के पश्चात मेटल परत की शुरुआत होती है। किस तरीके से? 42 किलोमीटर गहराई के पश्चात, मतलब 42 किलोमीटर के और अंदर मेटल की एक परत पाई जाती है, यानी कि वहां से शुरुआत हो जाती है। मेटल में पाई जाने वाली आंतरिक ऊर्जा के कारण होने वाली हलचलों से पृथ्वी सतह पर पर्वत निर्माण, घाटी निर्माण, ज्वालामुखी, भूकंप जैसे प्रक्रियाएं होती हैं। इस तरीके से पृथ्वी का जो सतह है, आंतरिक जो उसकी ऊर्जा निर्माण होती है, उसके कारण जो भूमि की ज्वालामुखी, भूकंप जैसी जो घटनाएं होती हैं, इन्हीं सारी घटनाओं के कारण सारी आती हैं। अनुमान लगाया गया है कि इस भाग में 2400 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक का तापमान 2200 अंश सेंटीग्रेड से 2500 अंश सेंटीग्रेड तक ग्रेड तक का होता है। सोचो इतनी ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, कि जिसके कारण हमारे पृथ्वी पे अनेकों सारी कठिनाइयां, अनेकों सारी घटनाएं घटती रहती हैं। यह अचानक चट्टानों का संरचना एवं घनत्व के स्वरूप में परिवर्तित होता है। यह क्या होता है? अचानक हमारी पृथ्वी मंडल पे कुछ भी होने का चांसेस रहता है। वैज्ञानिक अनुमान यह है कि इस मोटाई 2800 से 70 किलोमीटर होगी। इसकी क्या है? इसकी मोटाई कितनी बता रही है? 2870 किलोमीटर इसकी मोटाई है। इसका औसतन घनत्व 4.5 प्रति घन सेंटीमीटर में होता है, की गहराई के हिसाब से बढ़ता जाता है, और इसकी जो जितनी गहराई होती है उसके हिसाब से वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। इसका कारण जानने वाला दबाव है। निचले मेटल की घनत्व तो 5.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस तरीके से कुछ इसकी घनत्व है और कुछ इसमें सारी चीजें पाए जाते हैं। कोर यानी कि क्या होता है? गर्भ। पृथ्वी की सतह से करीब 1900 किलोमीटर की गहराई से क्रोड का भाग आरंभ होता है। कितने अंदर? किलोमीटर। 1900 किलोमीटर की गहराई से क्रोड का निर्माण होता है। मेटल के नीचे से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक का भाग क्रोड कहलाता है। क्या होता है? मेटल के नीचे से लेके पृथ्वी के केंद्र तक, उसके जहां से वो स्टार्ट होता है वहां तक की एरिया को क्या बोलते हैं? क्रोड कहते हैं। इसकी मोटाई लमसम 3470 किलोमीटर तक की है। कितनी है मोटाई? 3470 किलोमीटर। इस परत का विभाजन बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड में किया जाता है। कैसे? अंतः भाग और बाह्य भाग में इसको विभाजित करते हैं। अब बाहरी क्रोड क्या होता है? बाहरी गर्भ।
बाहरी क्रोड पृथ्वी की सतह से करीब 29 किलोमीटर से लेकर करीब 5100 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। जितने भी 5100 और 2900 से लेके 5100 के करीब के बीच की जो जितनी भी धातुएं पाई जाती हैं उस गहराई तक पाया जाता है। उसमें अनेक सारी चीजें, चुंबक हो गया, खनिज, लवण पदार्थ जो भी मिलते हैं, वो सारी चीजें क्रोड में बाहरी भाग में आते हैं। भूकंप की गौड़ तरंगे क्रोड क्षेत्र से नहीं गुजरते। जो भूकंप की तरंगे होती हैं वो किसे क्रोड से नहीं गुजरती हैं, उनका इस भाग का अवशोषण हो जाता है। क्या होता है उसे, क्या होता है वो उसे समाप्त कर लेता है वहीं पर, अवशोषण मीन्स लुप्त हो जाना। इससे वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि क्रोड परत का यह भाग द्रव या अर्ध द्रव अवस्था में होगा। इस तरह से क्या बता रहे हैं तो वहां की जो अवस्थाएं होंगी वो सारी किसमें होंगी, द्रव अवस्थाएं में होंगी। प्राथमिक भूकंपीय तरंगे इस क्षेत्र में गुजर तो सकती हैं, किंतु उनकी गति धीमी हो जाती है। बता रहे हैं कि जो सारी चीजें हैं वो उससे गुजरती हैं, लेकिन उनकी जो आने वाली टाइम में जो उनकी जो तीव्र गति होती है वो क्या होती है, वो धीमी हो जाती है। इसके कारण वहां पे वो उपस्थित नहीं होते हैं। बाहरी क्रोड का घनत्व 9.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। जिसका बाहर का जो हिस्सा होता है उसका जो घनत्व होता है 9.8 ग्राम का होता है। द्रव रूप बाहरी क्रोड का तापमान करीब 5000 अंश सेंटीग्रेड होता है। 5000 अंश सेंटीग्रेड मतलब बहुत बहुत हीट हो गया। जैसे अपने को कितने अंश सेंटीग्रेड पे बुखार आ जाता है, 100 के ऊपर जाता है तो क्या होता है टेम्परेचर हमारा बहुत हमें हाई लेवल का मतलब बुखार हो जाता है, 100 पार किए तो। और यहाँ पे कितना बता रहे हैं, 5000 अंश सेंटीग्रेड का तापमान। आप अनुमान लगा सकते हो हम 100 का ही तापमान हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, हमारी बॉडी से थोड़ा आग जैसा निकलने लगता है, लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं 5000 अंश सेंटीग्रेड मतलब हद से ज्यादा उसको लोग सहन करने मतलब वहां पे जाएंगे तुरंत वहां क्या करेंगे जल जाएंगे, वैसी वहां की स्थिति रहती है। हमने यह पढ़ा कि बाहरी क्रोड तरल पदार्थ से बना रहता है। किससे बना रहता है, तरल यानी कि बहने वाली चीजों से, जो चीजें बहती हैं उसे तरल पदार्थ बोलते हैं। इसमें लौह की मात्रा अधिक होती है। लौह क्या होता है, उसकी मात्रा उसमें अधिक होती है। जैसे कि हम लोहे को भी पिघला देते हैं तो भी क्या होता है, उस पर बारिश पानी लगता है तो जंग लग के पिघल जाता है, गल जाता है, उसकी कुछ वैल्यू नहीं रह जाती है। यह द्रव स्वरूप के बाहरी क्रोड में ऊर्ध्वगामी प्रवाहों की उत्पत्ति होती है। इस भाग की एक और विशेषता, इस तरीके से इसकी एक विशेषता बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं। बाहरी एवं आंतरिक क्रोड के तापमान में अंतर होने के कारण इन गर्भगामी प्रवाहों की उत्पत्ति करते हैं इस तरीके से। अब आपको देख रहे हैं कि ये सारी चीजें जितने भी हम पढ़ रहे हैं कि ये सारी चीजें हमारे नॉर्मल जीवन प्रक्रिया में भी यूज कहीं ना कहीं हम इन सारी चीजों से ग्रसित रहते हैं। पृथ्वी के भ्रमण के कारण उन्हें भंवर जैसी गति प्राप्त होती है। इन तरल लौह में निर्माण होने वाले इन घुमावदार भंवरों के कारण विद्युत प्रवाह की उत्पत्ति होती है और चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है। इसे ही क्या कहते हैं, भूजनित्र कहते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी चीजें तैयार होती हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे उत्पादित की जाती हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मतलब जमीन को क्या, जनित्र मीन्स माता, भूजनित्र यानी कि पृथ्वी को हम धरती माता बोलते हैं, इसी को हम भूजनित्र भी कह सकते हैं भूगोलिक रूप में। ठीक है, पृथ्वी का यह पृथ्वी क्षेत्र पृथ्वी की सतह के बाहर काफी दूरी तक भी कार्यरत रहता है। इसलिए इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण पृथ्वी के आजू बाजू एक आवाज बन जाता है। इस तरीके से क्या है, उसके आजू बाजू में एक आवाज जैसा आवरण का पदार्थ दिखाई देता है। पृथ्वी के वातावरण की सौर पवनों से रक्षा होती है। जो हमारे आसपास में जो हमारे हवाएं चलती रहती हैं उससे क्या है, पृथ्वी के बाहरी कवच हैं उससे हमारे क्या होती है, संरक्षण होती है, बचाव होता है। पृथ्वी पर निर्मित इस चुंबकीय क्षेत्र को चुंबका
वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र को चुंबका वरण, यानी कि चुंबक का ही परत उस पर पूरा बना रहता है। यह पृथ्वी का पांचवा और महत्वपूर्ण आवरण होता है। यह पृथ्वी का कौन सा आवरण होता है? पांचवा, मतलब कई लेयरों से आप बना होता है। उसमें आप देखे थे, अब देखेंगे आंतरिक क्रोड क्या होता है। यह परत पृथ्वी की सतह से करीब 5150 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर गहराई पृथ्वी के केंद्र तक पाई जाती है। सोचो कितनी नीचे। आपको क्या पढ़ रहे थे बाहरी क्रोड में? आप कहां से कहां तक के पढ़ रहे थे? 2900 से 5100 किलोमीटर तक। और यहाँ पे पढ़ रहे हो आप 5150 किलोमीटर से 7300 के आसपास में कुछ है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र तक पाई जाती है। यह भाग पृथ्वी का केंद्र भाग है। यह ठोस अवस्था में होता है। यहाँ की जो वस्तुएं होती हैं सारी चीजें ठोस अवस्था में पूरी चीजें पाई जाती है, यानी कि एक पत्थर नुमा जैसे हम जिसे हम कुछ उसका यूज लायक सामान चीजें नहीं होती। कोई भी पदार्थ यूज करने चीजें नहीं रहती है, वो सब क्या है? अनयूजेस है। इसका घनत्व करीब 13.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इस तरीके से इसका घनत्व 13.3 ग्राम घन सेंटीमीटर इस तरीके से कुछ बता रहे हैं। इस परत में मुख्यतः लौह एवं कुछ मात्रा में निकल धातु पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? लोहा और निकल धातु पाए जाते हैं। सिर्फ इसलिए इन्हें सीफे कहते हैं। क्या कहते हैं? नीफे कहते हैं। इस भाग में ये पदार्थ अत्यंत उच्च दाब में होते हैं। क्या होते हैं? अत्यंत उच्च दाब, यानी कि अधिक दाब पड़ने वाली चीजें पाई जाती हैं। इसलिए आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होते हैं। इसलिए क्या होते हैं? वो ठोस अवस्थाएं में ही उनकी वहां पे पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ का तापमान सामान्यतः सूर्य के पृथ्वी तापमान जितना होता है। क्या बता रहे हैं कि जितना सूर्य का तापमान होता है उतना ही वहां का भी तापमान हमें दिखाई देता है, ठीक है। आगे क्या दिया है? अब आपको एक ये आपको ड्राइंग बना के दिया है किस तरीके से निचला मैटर, भूपटल मैटर, क्या क्या चीजें होती हैं, उन सारी चीजों को बताया है, ठीक है। बना लोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, अभी देखो आकृति में क्या क्या बताया है, ठीक है। आकृति में दाईं ओर और वक्र गौर तरंगों की गति को दर्शाता है। वही बाईं ओर का वक्र प्राथमिक तरंगों की गति को दर्शाता है। अब आप इसमें बताया बायां किधर है उसको देखोगे आपको समझ में आएगा किस तरीके से कौन सी तरंगे निकलती हैं और कहाँ पे जाकर स्थापित होती हैं, ठीक है। आकृति में बिंदुओं की सहायता से बनाया गया वक्र यह गति का औसतन प्रवाह दिखाई देता है। अब जो आपका ये जो बिंदु बिंदु डॉट डॉट करके दिखाया है ये क्या है? आपका प्राथमिक तरंगे हैं, ठीक है। आकृति में बिंदु वक्र दिखाया था। गौर तरंगों में वक्र 2900 किलोमीटर गहराई के पास अचानक समाप्त हो जाती है। इस तरीके से 2900 तक जाते जाते उसकी जो तरंगे होती हैं वहां पे जाके समाप्त हो जाते हैं। तरंगों की गहराई के अनुसार 2900 किलोमीटर तक निरंतर बढ़ती रहती है। अब जहां तक 2900 किलोमीटर आता है वहां तक की उसकी जो तरंगे होती हैं बढ़ती रहती है, घटती रहती है। गौर तरंगों की गति बाह्य क्रोड की सीमा के पास 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच होता है। इस तरीके से उसकी तीव्रता कितनी होती है? 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच इसकी स्थिति इतनी रहती है। पृथ्वी के गर्भ क्षेत्र में ये तरंगे प्रवेश नहीं करती है। क्या होती हैं? ये सारी चीजें तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती, मतलब उसमें एंट्री नहीं ले पाते। प्राथमिक तरंगों की गति 1900 किलोमीटर की गहराई पर 12 किलोमीटर सेकेंड होती है। प्रतिबिंदु की सहायता से दिखाए गए वक्र से ध्यान में आता है कि बाह्य क्रोड में प्रवेश करते समय हमें गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक
कम हो जाती। क्या बता रहे हैं कि जब हम उसके अंदर कोई भी तरंगे प्रवेश करती है तो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड उसकी गति जो होती है कम हो जाती है। इन वक्र के अध्ययन से अलग अलग गहराइयों पर आंतरिक क्षेत्र के पदार्थों का घनत्व तो कितना होगा, वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया है। आंतरिक भाग का घनत्व तो आकृति आ में दिखाया गया है। इस आकृति में अलग अलग गहराइयों पर गुरुत्वाकर्षण बल वक्र के द्वारा दिखाया गया है। धरातल में कुछ गहराई तक गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है और इसके बाद गहराई के अनुसार कम होता है। वक्र से यह स्पष्ट है कि केंद्र पास व शून्यवत हो जाता है। इस तरीके से क्या है, उसमें जो तरंगे होती हैं वहां पे पास में आते आते उसकी जो गति होती है क्या होती है, शून्य हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है। इन आकृतियों का सूक्ष्म निरीक्षण करो एवं घनत्व दिखाने वाले वक्र का विभिन्न असांतर को ढूंढकर एवं उनके दिखाने को प्रयास करो। इस तरीके सारी चीजें आपको पता